बात महाराष्ट्र की करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आज जबरदस्त गरबा गर्मी का दिन है, माहौल है। लाउड स्पीकर की लड़ाई में राज ठाकरे आज जबरदस्त चढ़ाई करने वाले हैं। राज ठाकरे कल यानी रविवार को औरंगाबाद में रैली भी आयोजित करेंगे, लेकिन उससे पहले आज वो पुणे में मौजूद है जहां करीब 100 पंडितों का जमावड़ा है और राज ठाकरे ने पंडितों से आशीर्वाद लिया है। आज दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश है, तैयारी है। पुणे में ही महाविकास अघाड़ी की भी रैली प्लानिंग है। ये देखिए राज ठाकरे का औरंगाबाद कूच, कल शक्ति प्रदर्शन है, उसके पहले 100 पंडितों से आशीर्वाद लिया है उन्होंने और ये मंत्रोच्चार के बीच और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे पुणे का, जहां से दो संवाददाता हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पंकज खेलकर और पंकज उपाध्याय। पंकज उपाध्याय के पास हम पहले रुख करना चाहेंगे। पंकज, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अपने आप में एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति की नुमाइश है, क्योंकि आज जहां महाविकास अघाड़ी की बात करें तो पुणे में उनकी रैली है, दूसरी तरफ औरंगाबाद कूच करने की तैयारी में राज ठाकरे, यानी कि एमएनएस वर्सेस ये शिवसेना महाविकास अघाड़ी का मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुणे में आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं राज ठाकरे और यही कारण है कि देखिए मंत्रोच्चारण के बीच में राज ठाकरे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो अब तैयार हो गया है, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां यहां पर हवा में उड़ाई जा रही हैं। करीब 100 पंडितगण यहां पर आए थे जिन्होंने यहां पर मंत्रोच्चारण किया है। राज ठाकरे ने इन सभी लोगों से आशीर्वाद लिया है। राज ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन की एक समझिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, क्या आशीर्वाद मिला है आज उन्हें? राज साहब जी ने अत्यंत आनंदित होके हमारा शुभाशीर्वाद जो है वो उन्होंने रिसीव किया है। कैसा भविष्य देख रहे हैं आप राज ठाकरे का? अभी तो उज्जवल भविष्य है। राज जी बोलिए, राज जी ठाकरे बोलिए। राज जी का कैसा भविष्य है बताइए? राज जी का भविष्य उज्जवल है, उनको हमेशा हम उनके पीछे है और भगवान भी उनके पीछे है। चलिए ये दिखाएं राजमहल, ये निवास स्थान है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का, यहीं से वो बाहर निकले थे। अब मंत्रोच्चारण थोड़ा बंद हुआ है और हमें बताया गया है करीब 100 से 150 गाड़ियों का काफिला है वो पुणे से औरंगाबाद के लिए निकलेगा, यानी जो कल उनकी रैली होने वाली है जिसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं, उसको एक ग्रैंड रैली बनाया जाए, किस तरीके से अच्छी शुरुआत करी जाए, क्योंकि इस बार के जो राज ठाकरे हैं वो हिंदू जननायक बन चुके हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से सैफरन सौधों के ओढ़ के वो बाहर आए थे, हालांकि शिवसेना काफी क्रिटिकल हो चुकी है इस बात को लेकर, अब कहती है डुप्लीकेट जो है वो। पंकज आप नजर बना के रखें, हमारे एक और सहयोगी पंकज खेलकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी कहां है और वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि काफी दिलचस्प आज का दिन, क्योंकि महामुकाबला देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन और उसकी नुमाइश। यहां पर राज पंकज खेलकर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, जो राजमहल है उससे बात कर रही है। जी पंकज अपनी बात करें। चलिए हम दोबारा पंकज खेलकर का रुख करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश, क्योंकि देखिए पुणे में 150 पंडितों से आशीर्वाद, फिर ये सियासी शक्ति प्रदर्शन, पुणे में एक्शन, ठाकरे वर्सेस ठाकरे का ये शक्ति प्रदर्शन है। दो तस्वीरें आपके समक्ष आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एमएनएस वर्सेज शिवसेना, भाई वर्सेज भाई का ये महामुकाबला
और पंकज खेलकर, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को बताएं अपडेट क्या है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि राज साहब ठाकरे उनका जो निवास स्थान है राजमहल, वहां से निकल चुके हैं। फूलों का, गुलाब पंखुड़ियों का उनके ऊपर वर्षा हो रहा है, एक और मंत्र पठन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जैसे उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, वैसे ही तकरीबन 150 जो पुरोहित है, ब्राह्मण पुरोहित है, उन्होंने पठन किया है। उन्होंने राज साहब ठाकरे इन्हें जो आशीर्वाद दिया है, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो राज साहब ठाकरे की जो गाड़ी है, जो उनका एसयूवी है, वो अब औरंगाबाद की और पुणे से निकल चुकी है। पुणे से जाते हैं सबसे पहले वो संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की जो समाधि है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वो अपना माथा टेककर आशीर्वाद लेकर फिर वहाँ से औरंगाबाद की ओर निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राज साहब ठाकरे के ऊपर जो फूलों का वर्षा किया जा रहा है, बड़ी संख्या में पुरोहित यहाँ पर मौजूद है, आने लगे हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है राज